ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मध्यमा उंगली धन देती है। ग्रंथ में लिखा है कि माला जाप करते समय जब मध्यमा उंगली लग जाती है तो इससे धन का आवागमन होता है, गरीबी का नाश होता है। इसलिए मध्यमा उंगली का माला से स्पर्श होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें घर के बुजुर्गों को माला जाप करने से नहीं रोकना चाहिए। जितने तीर्थ स्थलों पर वो जाना चाहते हैं उन्हें ले जाना चाहिए, क्योंकि भजन ही नहीं करते हमारे बुजुर्ग बल्कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए वो उन्नति का मार्ग, धन का आवागमन का रास्ता भी खोल देते हैं। और कहावत भी है कि कार्तिक हाँ चाहे मांग बिना पैसे के नहीं हुए ब्याह। तो धर्म करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो आप जप में जब मध्यमा उंगली माला से लगाते हैं तो इससे आप संसार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, इससे कर्जा भी नहीं बढ़ता। दूसरी उंगली है अनामिका। अनामिका उंगली जब माला जाप करते समय लगती है तो इससे तत्काल शांति मिल जाती है। इसलिए जप करते समय दो उंगली और एक अंगूठा तीन में ही माला जाप करनी चाहिए, क्योंकि अंगूठा आपको मोक्ष देगा, मध्यमा उंगली आपको धन देगी और अनामिका उंगली आपको शांति देगी। ग्रंथ में ये भी वर्णित है कि माला जाप करते समय यदि अंगूठा ना लगाया जाए तो उस माला जाप का हमें कोई फल नहीं मिलता। अंगूठे के बिना कोई सत्कर्म का फल हमें नहीं मिलता। यज्ञ और जप में अंगूठे का लगना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोचेंगे कि यज्ञ में अंगूठा कैसे लगाएंगे? तो जब आप यज्ञ में आहुति डालते हो तो दो उंगलियों के पोरों पर होती है सामग्री। यदि आहुति डालते समय उस सामग्री में अंगूठा नहीं लगाओगे तो आहुति डालने का कोई फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत लोग बिना अंगूठे की आहुति यज्ञ में डाल देते हैं। ग्रंथ यहाँ तक की कहता है कि दो उंगलियों के पोरों पर जितनी हवन सामग्री आती है उतनी ही खुराक देवताओं को प्राप्त होती है, वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। ग्रंथ यहाँ तक वर्णित करता है कि आहुति डालते समय अंगूठा, मध्यमा, अनामिका के अलावा और कोई उंगली सामग्री से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। ग्रंथ कहता है कि जो भी व्यक्ति जप करता है वो कभी हिंसक नहीं बन सकता। धरती पर बड़ी बड़ी पूजा होती है लेकिन ध्यान से भी ज्यादा प्रभावशाली जप है। इसलिए नित्य जैसे सधवा नारी रोजाना अपने मांग में सिंदूर लगाती है, वैसे हर भगवान के भक्त को अपने मस्तक पर रोली और चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ये आदत अपने बच्चों में भी डलवाएं, क्योंकि माता पिता जो चाहे वही अपने बच्चे को बना सकते हैं। इतनी शक्ति होती है हर एक माँ बाप। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उन माताओं का जो अपने बच्चों को मंदिर, तीर्थ स्थल, देवालय के पास लेकर जाती हैं। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।